मैं इस वक्त दापोरिजो में हूँ, जो कि अपर सुबनसिरी का हेडक्वार्टर है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि दापो का जो पब्लिक के मुताबिक अगर अरुणाचल प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर प्रॉब्लम की बात कही जाए तो दापोरिजो में हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा है। मैं इस वक्त एक ब्रिज से क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ से जो है छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं और यहाँ से स्कूल के बच्चे जब स्कूल के समय यहाँ से गुजरते हैं, और आज के आधुनिक दुनिया में, आज के 21st सेंचुरी में लोग अभी तक मतलब उस ज़माने का जो ब्रिज को यूज़ करता है, यानी ये दापोरिजो जो है पूरा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। और ताजुब की बात ये भी है कि इस जगह पर अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये कमले डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और इस नदी के उस तरफ जो है अपर सुबनसिरी आता है। तो ये भी एक ताज्जुब की बात है, मुझे यहाँ के लोकल ने बताया कि हाँ ये कमले डिस्ट्रिक्ट जरूर ऑफिशियली कमले डिस्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पर लोग रहते हैं दापोरिजो के लोग ही रहते हैं, ऑफिशियली ऐसे कहा गया है। क्योंकि हमारे यहाँ में क्या होता है कि लोकली में इसमें पानी के जो बहाव के वजह से जो है जितना भी डिमार्केशन जो है इसी की तरफ से किया जाता है। तो यहाँ पर सोचने और समझने वाला बात ये है कि ये जो ब्रिज आप देख रहा है यहाँ से अगर बच्चे गुजरेंगे तो अभी भी मुझे यहाँ पर बैठते हुए मतलब बहुत डरावना लग रहा है कि ऐसे से बच्चे कैसे गुजरते होंगे। और यहाँ एक ब्रिज बन रहा है, मैं कैमरा पर्सन कहूँ ये एक बन रहा है सरकार की तरफ से बन रहा है, और खबर मिल रहा है कि ये पिछले एक साल पहले बनाया गया था लेकिन अभी इसका जो इम्प्रूवमेंट नहीं है। दूसरी तरफ भी आप दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा ये आधा बन के बैठा और पब्लिक जो है किस प्रकार से यहाँ पर जो है ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये सबसे प्रॉब्लम वाला बात ये है। लेकिन एक बात, इस नदी को जब सिगिंग रिवर की जब हम बात करेंगे, सिगिंग रिवर को बताया जा रहा है और ये जो है सिगिंग कॉलोनी है और ये जो है कमले डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, हमें ये बताया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि डस्टबिन की जब हम बात करते हैं, जो कूड़े कचरे की जब बात करते हैं, ये नदी जो है इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि आसपास में जो रहने वाले पब्लिक जो भी बिजनेस करता है उसको समझना होगा। जब तक आपके दिमाग में अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो आप जब तक सिविक सेंस आप नहीं लेंगे तो ऐसे ही गंदगी आपकी जगह में होते रहेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उधर भी मैं कैमरा आप घुमा के कहेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि ये खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नदी है, लेकिन इसको अगर साफ सुथरा रखा जाएगा तो ये आने वाला समय में इसी नदी से जो पानी आराम से उठा के पिया जा सकता है। ये एक प्रॉब्लम है कि जो बिजनेस करता है या फिर जो यहाँ का पब्लिक है, हमारा जो पब्लिक है उनको समझना होगा कि इसको किस प्रकार से रखा जाए। लेकिन यहाँ पर हमारा बनाने का मकसद ये था कि ये जो आप ब्रिज देख रहा है यहाँ से जो है बच्चे गुजरते हैं, बुजुर्ग गुजरता है, सभी लोग यहीं से गुजरता है। कल को कोई अनहोनी घटना हो जाएगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? और सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ को देखना चाहिए, और यहाँ का जो लोकल MLA है उनको देखना चाहिए, लोकल जितना भी जो लीडर है, पंचायत लीडर है, उनको भी देखना चाहिए। और ये बहुत ही मुसीबत है कि बच्चे यहाँ से क्रॉस करते स्कूल जाते हैं, ये एक समस्या है। हम इस बारे में, इस ब्रिज के बारे में और दूसरा जो है इसके बारे में यहाँ के लोकल से भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बात बता दूँ, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये जो है लोकल, यहाँ के लोकल ने खुद निर्माण किया, खुद बनाया है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस जो अभी यहाँ से फुटपाथ से क्रॉस कर रहे हैं और ये ब्रिज के बारे में हम लोग यहाँ के लोकल से जानते हैं, इसका मसला क्या है कि अभी तक जो है यहाँ से बच्चे जो है इस नदी को क्रॉस करने के लिए अपना जिंदगी को जोखिम में डालते हुए गुजरना पड़ता है। खासकर जो स्टूडेंट, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं यहाँ से स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सामने मेरे सामने में कहा जा रहा है, ये सामने में पढ़ने वाले के लिए कितना जोखिम है, ये इस जोखिम को कौन उठाएगा? अगर कुछ हो जाता है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? चलिए हम लोग यहाँ के लोकल से बात करते हैं इस ब्रिज के बारे में। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से मतलब गुजर रहा है। देखिए जो बूढ़ी माँ है और जो बच्चे हैं वो भी यहाँ से गुजर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी बहुत जोखिम है। और यहाँ मैं एक बार कैमरा पर्सन कहूँ, यहाँ भी लिखा हुआ है नॉट मोर देन 3 persons at 10 meter डिस्टेंस एट द टाइम अलाउड, यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक साथ जो है 10 लोग भी क्रॉस करते हैं, मतलब पब्लिक भी ये है कि जानते हुए भी क्रॉस करते हैं, ये भी समझने वाला बात है कि कल को यहाँ से अनहोनी घटना हो सकता है। हम लोग यहाँ से, यहाँ के पब्लिक से हम लोग जानेंगे कि इस ब्रिज को किस प्रकार से बनाया गया और अभी तक जो है जो सरकार की तरफ से जो स्कीम्स दिया गया है वो ब्रिज अभी तक क्यों नहीं बना, इसे हम लोग पूछते हैं। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम कापा नालो है, हम यहाँ का ये सियारा में भी सोशल सर्विस सेक्रेटरी है कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन में। जी जी जी। और ये एग्जैक्टली जो ब्रिज, ये अभी जैसे कि ये बच्चे ले करके गुजर रहे हैं, ये ब्रिज क्या आप लोग के लिए मतलब डेंजर नहीं है? हाँ, हम लोग तो इसके लिए तो आप आया तो बहुत धन्यवाद, आप लोग आरण भूमि का टीम आया तो बहुत धन्यवाद, इसलिए हम ये इसको आपको ये चाचू भाई भी दिखाने के लिए आया है। लेकिन हम लोग बहुत दुख है, ये गवर्नमेंट को भी दुख है और डिपार्टमेंट को भी दुख है। ये ब्रिज जो पर्सनली खुद ही बनाया हुआ है, ये पावर ग्रेड कॉलोनी और बोकचम कॉलोनी और ये जो लीदू कॉलोनी है, 3 कॉलोनी उधर में है पूरा।
ऐसे हो लीरो कॉलोनी भी हमें आना जाना होता है, लेकिन इतना बच्चा है हम लोग का स्कूल स्कूल जाने लगे, इससे छोटा छोटा बच्चा लोग है पूरा, इसलिए हम बहुत दुख है। और यह स्कूल है मतलब? हाँ, ये यहाँ में पूरा स्कूल है, उसमें स्कूल नहीं है लेकिन कॉलोनी इतना ज़्यादा है। हाँ, डिपार्टमेंट का ये ऑफिस भी उधर में, ये जो वेटरनरी हो गया सब आर डिपार्टमेंट, और ये पावर ग्रिड भी उधर में हम लोग का दापुर, लेकिन यार ये नदी से लेके कमले मानता है, लेकिन हम लोग का वहाँ में यहाँ का ये शिव नाचोले मेकिंग सीना लेता बेल का भी और तालिया का पूरा यहाँ में इस तरफ में मौजूद है, नदी का उस तरफ कमले डिस्ट्रिक्ट। हाँ, कमले डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये जो ये नहीं हो पाया, मतलब ये गवर्नमेंट जो अभी तक डिक्लेयर नहीं है, इसे लैंड डिमार्केशन नहीं हो पाया डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बोल के, इसलिए ये ब्रिज देखो तोता तीन साल होने होने हो गया, लेकिन बनाते 2 साल हो गया। और हाँ, ये ब्रिज जो देखिए आप लोग कैमरामैन देखा ही है, इसलिए 2 साल से हम लोग ये वेटिंग कर रहा है कब बच्चा इसमें गिर के मोरेगा या बुरी बुधा। देखिए अभी तो देख रहा ही होगा आप लोग का आरंभ भूमि टीम, देखिए यहाँ में बुरी माँ लोग लकड़ी इतना लेके जाता है, और बुरी माँ तो उसको ऊपर नहीं जानता है, नहीं उस ऊपर में लिखा गया 3 आदमी लिखा है, लेकिन इधर में बुरी माँ लोग हुई है 20 आदमी से पार हो जाता है, एक दूसरे क्रॉसिंग कर रहा है लेकिन झोल रहा है ये जो। इसलिए स्पेशली हम लोग ये से गवर्नमेंट से ये निमंत्रण करता है ये, क्योंकि ये ब्रिज को जल्दी कर देने से ठीक है, इतना डिले नहीं होना चाहिए, जल्दी हम लोग का डिमांड का पुल फिल करने से ठीक है। और ये तार वगैरह देखिए हम लोग का या वो कॉलोनी 4 कॉलोनी मिला के ये तार भी अपना से मैनेजमेंट किया, कोई डिपार्टमेंट का कोई हाथ लगा ही नहीं है। हम लोग ये पब्लिक खुद ही लीरू कॉलोनी का पावर ग्रेड का लीरुक और या मैं बोक्चम कॉलोनी बोल के पूरा हम लोग का 4 कॉलोनी का आदमी मिल के कंट्रीब्यूट करके अपना ये कोई किसी ये वाला मुन मुर्जी से 5000-6000 का किया। ये जो डस्टबिन जो नदी के सामने जो कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है, क्या अभी मार्केट जो आपका यहाँ पे तो मार्केट होता होगा एसोसिएशन, तो ये गंदगी ये फेंकने का इसका जिम्मा कौन ले पाएगा? पब्लिक को भी तो एक अच्छा मतलब दिमाग होने का अच्छा सिविक सेंस होना चाहिए ना, ये इतना गंदगी फेंका हुआ, इसको कभी आप लोगों ने बात किया? हाँ, इसलिए हम दापुर जो कभी इसलिए वो ये जगह पुराना बाजार में भी तो हम बोला था क्योंकि ये ऐसे पब्लिक भी ये ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, और जहाँ में गाड़ी अर्बन डिपार्टमेंट का गाड़ी का जहाँ में स्पॉट में रख देने से ठीक है वो, क्योंकि अर्बन डिपार्टमेंट लोग लेके गाड़ी में लेके जाएगा, लेकिन ये लोग ऐसे करता है डायरेक्ट इधर में जहाँ में अपना आपको कचरा बना रहा है, अपना गंदा करा रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी से लेके देखिए यहाँ का पब्लिक को हम रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा तरफ से कापाना लोग का तरफ से, आप लोग प्लीज अपना से उधर रहिए, देखो अपना गंदा करके रख रहा है, अपना पिका जिसे नहीं लगता है ये तो अपना नाक में पिक के रखा हुआ है, इसको सुधारने से टिका अपना जगह को सुंदर बनाना चाहिए। लेकिन उस दिन में ये 3 महीना पहले हम अर्बन ये को भी हम बहुत कंप्लेन किया है, लेकिन उस तरह में ये पुराना बाजार में ऐसे किया है, क्योंकि ऐसे नहीं ऐसे दमादम पे के होता था नहीं था दापो का डिपार्टमेंट का आदमी भी, क्योंकि ऐसे कचरा को थोड़ा ये करता है। लेकिन एक तरफ है ये एक तो ग्रीन क्लीन एंड ग्रीन ग्रुप का अपर सबंसरी का वो लोग अभी तक ये ब्यूजी में ऐसे होने से ये लोग को भी क्लीन करना था, वो लोग को कितना सफा करेगा? अरे उस जितना जा कॉलोनी अपना सफा करना है, क्योंकि अपना घर को गंदा करके रख रहा है। चलिए हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू आपको आरम नवमी को यहाँ तक आके इतना छानबीन कर देने के लिए मेरा आपसे बंद। थैंक यू आप लोगों का टीम को धन्यवाद।